जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के लपास गांव के साथ धांगरा के जंगलों में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भांग की खेती की गई थी। जब इस बारे में मणिकर्ण पुलिस को सूचना मिली तो वे तुरंत मौके की ओर रवाना हुए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक बीघा जमीन पर करीब 6000 के पौधे रोपित किए गए हैं। पुलिस ने कुछ पौधों के सैंपल लेकर 6000 भांग के पौधों को नष्ट कर दिया है। वहीं जब स्थानीय ग्रामीणों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भांग की खेती की गई है, जिसके चलते आरोपी पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मणिकर्ण पुलिस चौकी की एक टीम ने कल सुराग बरारी के दौरान पेट्रोलिंग के दौरान एक सूचना मिली कि किसी ने जंगल के एरिया में इलिसिट कल्टीवेशन कर रखी है। इसमें लपास गांव के पास धारगा जगह पर यह टीम गई और वहां इन्हें 6000 से ज़्यादा जो है भांग के पौधे मिले और इन्होंने उसमें उसमें मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सून इसमें जो है डिमार्केशन भी की जा रही है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।